अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं और उस पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका हिंट यही है कि आपने वो साइड लेनी है, चूज़ करनी है लेफ्ट या राइट में, जिस पे वैल्यू ज़्यादा हो, तब आपका काम आसान होगा। देखें, इसमें दो वैल्यूज़ लग रही हैं और इसमें सिंगल है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हों, प्लस माइनस की हों, उसी को सॉल्व करें, वो ईजी होगा बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ जाना। तो हमने ये लेफ़्ट साइड ले लिया, तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या गिवन है, कॉट अल्फा और स्टूडेंट टेन अल्फा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट ए? कॉट होता है हमारे पास कॉस ओवर साइन, और टेन हमारे पास क्या है, साइन ओवर कॉस। अब दोनों में हमने एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम डिफरेंट है, डिवाइड वाली वैल्यूज दोनों ही आ जाएंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। साइन कैंसिल हो गया, कॉस और कॉस कितने बन गए हमारे पास स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर, ये कॉस कैंसिल, क्या रिमेन रहा है, साइन। साइन और साइन कितने हो गए, साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का डबल एंगल का फार्मूला क्या पड़ा है स्टूडेंट्स, सोचें ज़रा। हाँ जी, क्या था, वो था हमारे पास कॉस टू अल्फा, कॉस टू अल्फा। अब देखें, हमारे पास डिवाइड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा, बट हमें राइट साइड पे क्या चाहिए, टू अल्फा, कॉट टू अल्फा। यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, डबल एंगल। तो इसको देख के हमें चाहिए कि एंगल हमें डबल चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास डबल आ गया, न्यूमिनेटर में देखें, उधर राइट में अगर टू है अल्फा है तो हमारे पास न्यूमिनेटर में तो टू अल्फा आ गया। हमें पता है कॉट भी क्या होता है, कॉस ओवर साइन, कॉस तो आ गया, अब मिसिंग क्या है, साइंस के साथ। तो साइन का डबल एंगल बनने की क्या चीज़ मिसिंग है, क्या फार्मूला था हमारे पास साइन टू अल्फा का होना चाहिए, साइन टू अल्फा होता है टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा, हमारे पास यहाँ पे टू मिसिंग है। टू कैसे लेके आएंगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी, देखें ये फार्मूला बन गया, ये साइड हो तो हम इसको लेफ्ट हो तो राइट, राइट हो तो लेफ्ट लिख सकते हैं, तो डैट्स वाई टू वैसे ही कॉस टू अल्फा, और ये क्या आ गया हमारे पास, साइन टू अल्फा, कॉस ओवर साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा, और क्या दिया हुआ है साथ, टू अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड हमें कॉट ही चाहिए था। ये जो हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ़ वैल्यू ज़्यादा हो आप उसी को सॉल्व करें, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इसी को हम लिखते हैं, तो स्टूडेंट साइन टू अल्फा हमारे पास किसके इक्वल था। अच्छा, ये अगर ऐसे भी हम लिख लें, देखें साइन टू अल्फा हमारे पास किसके इक्वल था, जी हमारे पास हमने पढ़ा था फार्मूला टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो डैट्स वाई हमने लिख लिया टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ऐसे फिर मैंने कॉस का फार्मूला आपको राइट करके दिखाया था, वन प्लस कॉस टू अल्फा किसके इक्वल था, वहाँ पे हमने इस दिन में रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो क्या वैल्यू आएगी, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो क्या आएगा, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू। माइंड में रखें इसको कि अगर हमारे पास वन प्लस कॉस टू अल्फा है, अगर वैल्यू हो रही है प्लस, तो क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू। अगर ये होगी माइनस की वैल्यू तो फिर बनेगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, वेरी इंपॉर्टेंट दो फार्मूलाज। तो टू टू से कैंसिल हो रहा है, एक कॉस कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ अल्फा आना चाहिए था, डबल है तो इसका क्या आएगा, हाफ, इसका भी डबल था तो स्टूडेंट्स क्या आना था, इसका हाफ आना था, इसका डबल है तो इसका भी क्या आना था, हाफ आना था, टू अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा होगा, तो बचा क्या, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, तो साइन ओवर कॉस क्या बना हमारे पास, टेन अल्फा, कौन सी साइड आ गई, राइट साइड। एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं इसको, साइन टू अल्फा किसके इक्वल है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, वन प्लस कॉस टू अल्फा, डबल है तो इसका हाफ दो पे डिवाइड करना है, दो पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा, माइनस होता तो क्या आना था, टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल, टू टू कैंसिल, साइन ओवर कॉस क्या आ गया, टेन, तो ये आ गई राइट साइड। तो बहुत ईजी है, ट्रिकी है क्वेश्चन।